मुदस्सिर के मौत का जवाब ओट से देना है आपको, देंगे आप देंगे जवाब? क्या मैं जाकर उसकी मां से कह दूं कि आप जवाब देने वाले हैं? अरे क्या झारखंड तुम्हारे बाप का है? मैं मौत से कभी डरा ना कभी डरूंगा इंशाल्लाह। मजी है कि मैं आज वीर बुद्धू भगत साहब की सरजमीन पर मुझे अल्लाह ने आने का मौका दिया है, और आप जानते हैं कि इस अजीम शख्स ने जमींदार और अंग्रेजों के खिलाफ जिद्दोजहद की, उनको उनका हक दिलाया, और उसी लड़ाई में वो शहादत भी पा गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस विधानसभा में अगर आप मजलिस के ताईद उम्मीदवार हमारे भाई को आप कामयाब करेंगे, जियो कुमार दहन साहब को जिनका इंतखाबी निशान ऑटो रिक्शा है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि यहां पर इस विधानसभा में महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी और स्किल एजुकेशन सेंटर हमारे भाई जनाब जियो कुमार दहन साहब कायम करेंगे, मोबाइल हॉस्पिटल हफ्तेवारी हर ब्लॉक में काम करेगा, और हर शनिवार को गवर्नमेंट स्कीम का 100% हिस्सा उसको दिलाया जाएगा। सरकारी की प्रोसेसिंग यूनिट इंशाल्लाह यहां पर लगाई जाएगी, स्टूडेंट्स का 100% स्कॉलरशिप का इंतजाम किया जाएगा, और खास तौर से पुलिस और पैरामिलिट्री के नौकरी के लिए यहां पर इंशाल्लाह ताला जियो कुमार दहन साहब एक ट्रेनिंग सेंटर कायम करेंगे, और जो टीचर की वैकेंसी है उसको पूर्ण किया जाएगा, और जो विलेज तक हर स्कीम है विजय कुमार दहन साहब इस पर अमलावरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप लोग इतनी बारिश में भी भीग कर यहां पर खड़े हैं, मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे यकीन है कि ये आपकी मोहब्बत इंशाअल्लाह ताला यकीनन जियो कुमार दहन साहब को यहां का विधायक बनाने में कामयाब करेगी। मेरी आपसे गुजारिश ये है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि आप देख रहे हैं कि झारखंड में यहां पर क्या हुआ, रांची में, और आप जानते हैं कि मुदस्सिर का और हमारे भाई का, दोनों बेटों का, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार दोनों ने मिलकर मुदस्सिर और फजल को कत्ल कर दिया। अगर देश के प्रधानमंत्री पहले एक्शन ले लेते तो मुदस्सिर की जान नहीं जाती थी, मगर देश के प्रधानमंत्री को नुपुर शर्मा को बचाना था, और नुपुर शर्मा को बचाते बचाते मुदस्सिर और साहिल की जान चली गई। अगर देश के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को नहीं बचाते और झारखंड मुक्ति मोर्चा के यहां के मुख्यमंत्री थोड़ी ईमानदारी से काम करते तो मुदस्सिर और साहिल की मौत नहीं होती है। मैं आज यहां पर खड़े होकर मुदस्सिर और साहिल के परिवार से इजहार हमदर्दी भी करता हूं, और भाजपा और हेमंत सोरेन की सरकार से मुतालिबा करता हूं कि वो इन परिवार से माफी मांगे, और इन तमाम पुलिस के अहदेदार हो या जिस किसी ने भी मुदस्सिर और साहिल को गोली मारी उनको फौरन गिरफ्तार करने की जरूरत है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जिन्होंने इन बच्चों की जान ली, याद रखो हम वो हैं जिसको शायर ने कहा था कि नजर अल्लाह पर रखता है मुसलमान गयूर, मौत क्या शय है फक आलम माना का सफर, इन शहीदों की दीज
अहले कलीसा से ना मांग, कद्र कीमत पे है खून जिसका हरम से बढ़कर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि जो नुपुर शर्मा ने अनाप शनाप बकाए, हर किसी का दिल से दुख हुआ है, तकलीफ हुई है, और हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अनाप शनाप अगर कोई बकेगा तो जाहिर है हम तमाम को तकलीफ होती है। हमारे लिए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान के दिल की तरह है। आप हमारे जिस्म पर, हमारे उंगलियों पर, हमारे पैर पर, हमारे सर पर वार करिए, मगर आप हमारे दिल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। ये आपने गलत किया। आप बताइए कि यही सरकार है, अगर आज असदुद्दीन ओवैसी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अनाप शनाप अगर बोल देंगे तो मुझे रांची एयरपोर्ट से जाने नहीं दिया जाएगा। अगर मैं भाजपा और योगी या फिर आरएसएस के लोगों के खिलाफ कुछ अनाप शनाप कह दूं तो मुझे रोक दिया जाएगा। आखिर क्यों भाजपा नुपुर शर्मा को बचा रही है? आखिर क्या बात है नुपुर शर्मा में जो देश के प्रधानमंत्री उसका तहफुज कर रहे हैं? हम भाजपा से इस बात का मुतालबा करते हैं कि नुपुर शर्मा को सिर्फ सस्पेंड करना सजा नहीं है, उसको गिरफ्तार करना और जेल को भिजाना, तभी इंसाफ होगा। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस विधानसभा से हमारे भाई दियो कुमार धन का मुकाबला भाजपा से है। मैं आज के इस जनसभा से ना सिर्फ इस विधानसभा के नौजवानों से, युवाओं से, बल्कि झारखंड के युवाओं से और देश के युवाओं से कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री ने भारत के युवाओं को बहुत बड़ा धोखा दिया है। उनका मुकद्दर बेरोजगारी बनाकर रख दिया। वो नौजवान जो पिछले दो साल से फौज में जाने की तैयारी कर रहा था, देश के प्रधानमंत्री ने उन युवाओं की जिंदगी से एक मजाक किया है। और आज आप देखते हैं कि जो पॉलिसी भाजपा ने बनाई है कि फौज में भर्ती के लिए, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती के लिए, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि चार साल काम करो और चार साल के बाद तुमको निकाल दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री, ये युवा जो फौज में जाते हैं वो इसलिए जाते हैं कि देश की सेवा करें। ये फौज में जो जाता है नौजवान, वो अपने लिए एक बाइज इज्जत समझता है, अपने लिए एक ऑनरेबल चीज उसको समझता है। वो फौज में जाकर देश की सुरक्षा करना चाहता है, मगर देश के प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया? देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आपको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिया जाएगा, चार साल काम करो और चार साल के काम करने के बाद तुमको हम चौकीदार की नौकरी दे देंगे। आप बताइए कि कोई अगर फौज में जाता है, कोई एयरफोर्स में जाता है, नेवी में जाता है, तो कभी पाकिस्तान के फौज से आंख में आंख हमारा सिपाही कर लड़ाता है, तो कभी डिपसांग और हॉट स्प्रिंग पर चीन की फौज से आंख में आंख मिलाता है, और चार साल वो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। या तो वो चीन और पाकिस्तान की फौजियों को मारता है या खुद मर जाता है। आज उन युवाओं को देश के प्रधानमंत्री भूल चुके हैं। भाजपा वालों, कहां गया तुम्हारी देशभक्ति? तुम्हारी देशभक्ति ये है कि तुम युवाओं को जो अपनी जिंदगी जोखिम में डालते हैं, खतरे में डालते हैं, देश के प्रधानमंत्री की आपकी ये देशभक्ति है कि ये आपकी भारत मां से मोहब्बत है कि आप इन नौजवानों को जो अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं आप उनसे मजाक कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री को ये अग्निपथ की अग्निवीर की पॉलिसी को वापस लेना पड़ेगा।
भारत का युवा खामोश नहीं बैठेगा। प्रधानमंत्री याद रख लो, अब आप दिल फरेब झूठे वादे नहीं कर सकते। आप बताइए कि एक नौजवान दो साल से तैयारी कर रहा है और अचानक भाजपा की सरकार कहती है कि सिर्फ चार साल काम करेंगे, 22,000 तनख्वाह महाना मिलेगी और चौथे साल में 28,000 मिलेगा और जब चार साल के बाद उसको 11,00,000 रुपये दे देंगे। देश के प्रधानमंत्री, आपको किसने अख्तियार दिया? कौन आपने इस तरह का फैसला आपने ले लिया जो देश की सुरक्षा से आप खिलवाड़ कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री सुनो, चीन की फौज भारत की जमीन पर बैठी हुई है, पाकिस्तान से आतंकवादी आज भी हमारे देश में आते हैं, 1,00,000 वैकेंसी है, 1,00,000 फौजियों की जरूरत है भारत को, और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 45,000 को हम नौकरी देंगे, 4 साल के बाद उनको निकाल देंगे, 25% को दोबारा फौज में लिया जाएगा। उस फौजी को न डियरनेस अलाउंस मिलेगा, न ग्रेच्युटी मिलेगा, न मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री, आप इन युवाओं को जो चीन और पाकिस्तान की फौज से आंख में आंख मिला रहे, क्या आप इस तरह से इनका बर्ताव करेंगे? क्या इनकी कुर्बानी को आप रायगढ़ जाने देंगे? मैं भारत के युवाओं से अपील कर रहा हूं कि तुम कसदुद्दीन अवैसी से मोहब्बत नहीं होगी, मगर मुझे देश से मोहब्बत है, मुझे देश की सुरक्षा से मोहब्बत है। मैं नहीं चाहता कि चीन और पाकिस्तान भारत के लिए खतरा है, मानता हूं हमको अपने सिपाहियों को मजबूत करना है, मगर देश के प्रधानमंत्री एक फार्मूला निकाल दिए, 4 साल काम करो और फिर एक गाजर की पुंगी उन नौजवानों को उनके हवाले करके कह रहे देश के प्रधानमंत्री, तो आपको फोर्स में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में दिया जाएगा। झूठ बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, झूठ कह रहे हैं। 2020 में सिर्फ 10,000 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में नौकरियां दी गई, अगर 10% होगा तो 1,000 को नौकरी मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री, झूठ बोलना बंद करो, देश की सुरक्षा करो। ये आपने जो पॉलिसी का ऐलान किया, इसको वापस लो। आप फौज में कोई जाता है तो देश की सेवा करने के लिए जाता है, और मैं इन तमाम हमारे प्रदेशों की सरकारों से कहना चाह रहा हूं, पहले रिक्रूटमेंट होता था प्रदेश की बुनियाद पर, इस स्टेट में इतने फौजी जाएंगे। आज भारत के प्रधानमंत्री पूरे ऑल इंडिया लेवल पर रिक्रूटमेंट करेंगे। अरे ये इससे फौज में इम्बैलेंस पैदा हो जाएगा। हमारी लोकतंत्रों को खुदा ना खास्ता कहीं खतरा मुस्तकबिल में ना पैदा हो जाए। चीन से खतरा, पाकिस्तान से खतरा, भारत के अतराफ में घेरा हुआ है, मगर देश के प्रधानमंत्री पैसे बचा रहे, पैसे बचा रहे। लानत है तुम्हारी इस पॉलिसी पर देश के प्रधानमंत्री, तुम देश की सुरक्षा को नहीं देख रहे हो, तुम पैसे बचाने का काम कर रहे हो। अरे देश की सुरक्षा के लिए अगर पैसे, क्या अगर पैसे नहीं है तो भी देश की सरकार को पैसे निकाल कर देश की सुरक्षा करनी चाहिए। मगर प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्होंने, उनकी सरकार ने 8 साल में देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज बेरोजगारी भारत में सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार कहती है 8% बेरोजगार है, मैं कहता हूं कि 16-17% से ज्यादा भारत में बेरोजगारी है। आपको जानकर गम होगा, अगर 5 पढ़े लिखे ग्रेजुएट है तो सिर्फ 1 को नौकरी मिलती है, सिर्फ 1 को नौकरी मिलती है। भारत में 1,20,00,000 लोग आज नौकरी तलाश करना छोड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिलती। देश के प्रधानमंत्री,
आदमी से जाकर आप पूछेंगे तो बोलेंगे पकौड़ा बेच लो। 2015 में मोदी ने कहा था कि मैं 2022 में 10 करोड़ नौकरियां दूंगा, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, रन इंडिया, सिट इंडिया, क्या क्या कहा था। कितनी नौकरियां दी आपने। आज देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2024 तक भाजपा पर 10 लाख नौकरियां देंगी। अरे देश के प्रधानमंत्री क्यों झूठ बोल रहे हैं आप, क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्या फरवरी 2022 में पार्लियामेंट के क्वेश्चन में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जितेंद्र सिंह ने जवाब किया था कितनी नौकरी आपने दी? आपने जवाब में कहा था 8 लाख वैकेंसी है और आपने 8 साल में सिर्फ 70,000 नौकरियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी। आप बताइए 2 साल में 10 लाख नौकरियां कहां से देंगे? 10 लाख नौकरियां नहीं है भारत सरकार के पास, भारत सरकार के पास 55 लाख नौकरियां हैं। देश के प्रधानमंत्री पैसा बचाना चाह रहे हैं। अरे युवा बेरोजगार हो गया है, गरीबी उसका मुकद्दर बन चुका है, कीमतें आसमान को छू रही हैं, पेट्रोल डीजल कहां का कितना बढ़ता जा रहा है, मगर देश के प्रधानमंत्री को इसकी फिक्र नहीं है। हम आपसे अपील कर रहे हैं ये विधानसभा के इलेक्शन में अगर आप एक मौसर जवाब देंगे, मुदस्सिर के मौत का जवाब वोट से देना है आपको, देंगे आप देंगे जवाब? क्या मैं जाकर उसकी मां से कह दूं कि आप जवाब देने वाले हैं? क्या आप बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर वोट देंगे भाजपा के खिलाफ? क्या आप ये जो फौज की पॉलिसी है जिसमें देश की सुरक्षा को दांव पे लगा दिए भारत के प्रधानमंत्री, क्या आप उसके खिलाफ वोट देंगे आप? याद रखिए जब आप वोट देंगे भाजपा को हराएंगे यहां से तो देश के प्रधानमंत्री को तब मालूम होगा कि अब चाय बेचने की बात अब मैं नहीं कर सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं कि टीवी पर ये मोदी के चहेतों को बिठाया जाता है, फौज से रिटायर लोग बैठते हैं। मैं उनसे बड़ी हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, आप इतना मत गिर जाओ कि उन गरीब बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया जाए। जो टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या तुमको पेंशन नहीं मिल रहा है? फौज से रिटायर हुए तुमको पेंशन मिलेगा, और ये जो गरीब परिवार के बच्चे, गांव के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे जो फौज में जाते हैं, 17 साल मेहनत करते हैं ताकि उनको पेंशन मिले, अपनी जान को खतरे में डालते हैं ताकि उनको डियरनेस अलाउंस मिले, ग्रेचुएटी मिले और रिटायरमेंट के बाद मेडिकल उनको इंश्योरेंस मिले। ये टीवी पर बैठने वालों, तुम्हारा तो इंश्योरेंस है, तुम्हारा तो मेडिकल इंश्योरेंस है, मगर गरीब के बेटों का क्या होगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये गलत पॉलिसियां देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आज आप देखते हैं कि भारत का नौजवान आज इनके गलत फैसलों की वजह से गुस्से में है, आक्रोश में है। हम टीवी चैनल पर गए थे तो वहां पर मोहतरमा ने कहा आप इसका खंडन करिए, मजम्मत करिए, बोले नहीं करेंगे। बोले ट्रेन जल गई। ट्रेन क्या किसी पार्टी की होती है? हमने जवाब दिया और फिर कह रहे हैं तुमने उन नौजवानों को रोड पर क्यों लाया, तुमने उन नौजवानों को गुस्सा क्यों दिलाया? वो गरीब परिवार के बच्चे जो कर्जे लेकर कोचिंग हासिल करते हैं, एग्जाम लिखते हैं, 2019 से कोशिश कर रहे हैं, आज अचानक देश के प्रधानमंत्री ने उनके ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। मैं उन तमाम
एहतजाज करने वाले नौजवानों के साथ खड़ा हो जो मोदी की पॉलिसी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। वो भारत के जिस किसी कोने में भारत की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, मैं उनको सलाम करता हूं और उनसे कह रहा हूं कि हम आपके साथ हैं। हम मजबूर करेंगे देश के प्रधानमंत्री को अपनी इस पीओडी की पॉलिसी को वापस लेने के लिए। बल्कि मैं आज इस विधानसभा में झारखंड की गयूर सरजमीन में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री से डिमांड करता हूं कि नरेंद्र मोदी आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाओ, पार्लियामेंट में बैठ काम करेंगे, डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि आप चंद पैसों को बचाने के लिए देश की सुरक्षा आपको दांव पर लगा रहे हैं। बुलाओ पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए, वो पार्लियामेंट के सेशन में हम बताएंगे। लोकसभा में खड़े होकर चीन से कतरा है, पाकिस्तान से कतरा है, 1 लाख अभी नॉन वैकेंसी जिनको अब घर में बैठना चाहिए अल्लाह अल्लाह करते हैं। हमारे जाने के बाद वो बोलेंगे 2-3 जीत गए तो क्या होगा मजलिस के, अरे तुम्हारे पास जितने विधायक बैठे हुए हैं तुम जीएमएम की तायीद कर रहे हो और दोनों बच्चों को सर पर गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। मीडिया ने लिखा कि मुदस्सिर ने इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाया तो गोली मार दी। क्या कांग्रेस पार्टी में मौजूद जो विधायक हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, आपने अब तक उन पुलिस के अहदेदारों को सस्पेंड क्यों नहीं करवाया? आपने अब तक उन पुलिस के अहदेदारों को गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया? हम रांची पहुंचे तो इनका एक विधायक बोलता है कि वो इसी को आने नहीं देंगे। अरे क्या झारखंड तुम्हारे बाप का है? आने नहीं देंगे? अरे हिम्मत है तो आओ सामने आके रोक के दिखाओ, देखते हैं। मैं मौत से कभी डरा ना कभी डरूंगा इंशाल्लाह। खाली बस टीवी कैमरे के सामने आने नहीं देंगे, वो नहीं करने देंगे। याद रखो हम किसी से डरने वाले नहीं है सिवाय रब्बे करीम के। और कांग्रेसियों तुम में अगर गीरत बाकी है तो गिरफ्तार करो उन लोगों को जिन्होंने मुदस्सिर की जान ली। अगर इंसानियत जिंदा है तो बताओ तुम इंसाफ के लिए क्या करोगे। मगर आज हम आए हैं तो हमारे जाने के बाद ये शुरू कर देंगे, ओवैसी की बात में नहीं आना, ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। मैं जज्बाती नहीं सच्चाई को बयान करता हूं और करता रहूंगा इंशाल्लाह। अब कांग्रेस पार्टी से कुछ होने वाला नहीं है। जिस दिन कांग्रेस पार्टी खत्म होगी भारत में उस दिन नरेंद्र मोदी इलेक्शन हार जाएंगे। अगर कोई भाजपा को मोदी को जिता रहा है तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। ये कमजोर हो चुके हैं, इतने कमजोर हो चुके हैं कि इनके लीडर को दिल्ली में ईडी बुलाती है तो 100 लोग दिल्ली में जमा नहीं कर सकते, ये 100 लोग को जमा नहीं कर सकते।